झारखंड का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुलाज है। आदिवासियों का यह प्रमुख त्योहार है। हर साल चैत्र महीने के तृतीय को यह पर्व मनाया जाता है। मुख्यतः यह पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आदिवासी समाज के लोग इस दिन नए साल की शुरुआत करते हैं, साथ ही खेती की शुरुआत इस पर्व को मनाने के बाद की जाती है। आज के दिन धूमधाम से भव्य जुलूस निकाला जाता है। रांची में सरहुल को लेकर विशेष तैयारी की गई है। रांची के सिरम टोली स्थित सरना स्थल में सरहुल को लेकर तैयारी पूरी है। 3 दिन पहले ही लोग सरहुल के अनुष्ठान में जुट जाते हैं। पाहन की तरफ से विशेष अनुष्ठान किया जाता है। इस दौरान ग्राम देवता को पूजा जाता है और कामना की जाती है कि आने वाला साल खुशियों से भरा हो, खेत खलिहान भरा पूरा रहे। पूजा के दौरान सरना स्थल पर मिट्टी के बर्तन में पानी रखा जाता है, जिसके स्तर को देखने के बाद पाहन आने वाले मौसम के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। पूजा खत्म होने के अगले दिन फूल खोसी की प्रथा होती है। आदिवासी समाज के लिए ये पर्व बेहद खास है। सरहुल को लेकर आज शहर में धूम है। पिछले कई दिनों से इस पर्व को लेकर प्रशासन व लोगों की तैयारियां चल रही थी, वहीं आज सरहुल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है, साथ ही शहरवासियों के लिए रूट में बदलाव भी किया गया है। और यही आरती दिन पे हम लोग किए हैं सरना में कि हम लोग को सरना कोर्ट इस बार मिल जाना चाहिए, नहीं तो वोट नहीं होगा। सरना कोर्ट नहीं तो वोट नहीं, बस यही है हम लोग। देखिए, इससे खूबसूरत और इससे सुंदर कोई पर्व हो नहीं सकता। आप देख रहे हैं कि प्रकृति के पूजा करने वाले लोग आज 10 लाख की संख्या में रांची के विभिन्न अखाड़ों से निकल करके रोड पे आएंगे, जहां संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और धर्म सबका संगम आपको देखने को मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा सवाल आज प्रकृति की रक्षा बना हुआ है और हमारे आदिवासी इसी की पूजा करते हैं। हम लोग सुरक्षा को लेकर के सब तरह का इंतजाम किए हुए हैं। महिला फोर्स, पुलिस फोर्स प्लस और जो साधन रहता है वो सारे हम लोग किए हुए हैं। लाइटिंग का प्रबंध पर्याप्त किया गया है और इसी अवसर पर हम लोग इस प्रकृति पर्व पर सभी को शुभकामना देते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।